नमस्कार। सो आज मैं खड़ा हूँ बाहर, अकेला हूँ मैं, तो फोन मेरे खुद के हाथ में ही है। सो जो थोड़ा एंगल होगा वो थोड़ा अजीब सा आपको लगेगा, शोर मचेगा। मैं कॉलेज के बाहर आ गया हूँ और मैं हूँ आज SS तांतिया मेडिकल कॉलेज गंगानगर। सो थोड़ा सा अगर मैं आपको बैकग्राउंड बताऊँ तो गंगानगर शहर राजस्थान में, जैसा हम जानते हैं, एग्जैक्टली 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें 3 जयपुर में हैं, महात्मा गांधी, JNU और निम्स जयपुर के बाहर है। फिर 5 है जो उदयपुर में है, 2 पैसिफिक, अनंता, अमेरिकन और गीतांजलि। और जो 9वां मेडिकल कॉलेज जो 2021 में खुला वो है गंगानगर में, श्री SS तांतिया। अब टेक्निकली स्पीकिंग देखिए, जो गंगानगर शहर हो गया, और गंगानगर शहर बहुत छोटा है, तो पहले मैं आपको ये बता दूँ, इट्स अ स्वीट स्मॉल सिटी। स्वीट मैंने इसलिए बोला कि मुझे कोई बहुत पिछड़ा भी नहीं लगा कि कुछ भी नहीं मिलेगा। और मैं सुबह से एक डेढ़ घंटा मैंने शहर को मोटा मोटी देखा है, तो होता ना, मुझे तनिष्क का शोरूम नज़र आ गया, 22 के शोरूम नज़र आ गए, ठीक ठाक से रेस्टोरेंट मिल गए, शायद डोमिनोज भी है, तो आप इस वाले पर एक ही है, 50 नहीं है। तो अगर मैं अपने लास्ट JLN बेलागावी से कंपेयर करूँ, सो डेफिनेटली बेलागावी वाले लेवल पे नहीं है। इट्स अ Tier 3 टाउन और Tier 4 टाउन। तो ठीक है, बच्चा मूवी देख सकता है जाकर। अगर मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए, बच्चे को कभी कभार एंटरटेनमेंट भी चाहिए होती है, तो आप ऐसे जंगलों में नहीं हो। गंगानगर शहर में 2 मॉल्स हैं, 2 मल्टीप्लेक्स हैं, 1 थिएटर है, वो सब फैसिलिटी भी हैं। स्टेशन से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन, ओवरनाइट ट्रेन हैं, और पंजाब के बच्चों के लिए काफ़ी पास पड़ जाता है, क्योंकि ये जो पंजाब का भटिंडा संगरूर का एरिया है उससे काफ़ी निकट पड़ता है ये गंगानगर। तो मतलब राजस्थान में भी कोई नॉर्थ राजस्थान में है, और इसलिए बहुत दूर है ये जयपुर और बाकी जो उदयपुर वगैरह से, इससे डिफरेंट रूट है ये। तो ये है गंगानगर शहर। गंगानगर शहर में तांतिया साहब रहे होंगे, डॉक्टर SS तांतिया, उन्होंने अपने एक अस्पताल 1990 में बनाया था। सो इट इज़ लाइक, हम मैंने बात की थी हेरिटेज वाराणसी की, कि जो हेरिटेज वाराणसी का हॉस्पिटल है बहुत पुराना है। सो द हिस्ट्री इज़ ह्यूज ऑफ तांतिया ग्रुप। 30 साल से अपना अस्पताल चला रहे हैं वाराणसी में। 15 साल पहले इन्होंने आयुर्वेदिक कॉलेज खोला, उसको बोलते हैं श्री गंगानगर कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज। वो कॉलेज भी इसी बिल्डिंग में चल रहा है, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है पूरी तांतिया यूनिवर्सिटी है। सो दे ऑल्सो हैव अ यूनिवर्सिटी एफिलेटेड, अपनी डीम्ड यूनिवर्सिटी तांतिया, जिसके अंडर ये आयुर्वेदिक कॉलेज चलाते हैं, होम्योपैथिक कॉलेज चलाते हैं, और 10-12 कोर्सेज चलाते हैं, और ये सभी 15 साल से चला रहे हैं। फिर ये अस्पताल खोला गया, अस्पताल का नाम इन्होंने रखा हुआ है जन सेवा अस्पताल। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी, मतलब ये काइंड ऑफ प्राइवेट कॉलेज के अंदर है, लेकिन ऐसा देख के लगा कि यह सारी जो राजस्थान की वो चिरंजीवी स्कीम, ये स्कीम, वो स्कीम, उसके ही पेशेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं। तो पेशेंट्स की कमी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी सरकारी कार्ड यहाँ पर चलते हैं बेसिकली आप, और जो सरकारी कार्ड नहीं भी लेकर आया, मतलब 10 रुपये का OPD कार्ड था, 20 रुपये पर डे इज़ दी नॉर्मल वार्ड, और जो टेस्ट वगैरह भी है, मतलब बहुत ही मतलब नॉमिनल रेट पे। तो आई थिंक जो बंदा वैसे भी प्राइवेट खुद से भी पैसा देना चाहेगा तो बहुत सस्ता पड़ेगा। आप देखिए, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, मेरे पीछे ना आपको 10-12 ऑटो खड़े मिलेंगे, थोड़ा सा महंगा चेंज कर। तो ये जो जिसे विक्रम बोलते हैं ना, अब ये जो विक्रम खड़े हैं, ये सब में 7-8 खड़े हैं, और ये सब इसलिए खड़े हैं कि ये जो पेशेंट अंदर से आएंगे, इनको वापस गंगानगर लेके जाने के लिए। और रोड के उस तरफ, ये रोड है, ये बड़ी मतलब मेन रोड है मेरे ठीक पीछे, व्हीकल्स बहुत आ जा रहे हैं, और ये हनुमानगढ़ रोड है। तो हनुमानगढ़ एक और Tier 3 टाउन है, इसको Tier 3- भी कह सकते हैं, गंगानगर हनुमानगढ़ को। तो ये हनुमानगढ़ गंगानगर रोड है। तो जब गंगानगर की मेन शहर की बाउंड्री ख़त्म हुई, उसके बाद तकरीबन 7 किलोमीटर के बाद ये कैंपस आया, और फिर ये रोड ही आगे हनुमानगढ़ जा रही है, जो एक और एक छोटा सा टाउन है जहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। तो जैसा मैंने भी समझाया कि बहुत बड़ा शहर नहीं है, लेकिन ठीक ठाक शहर है, कैंपस बहुत खूबसूरत है, अंदर कैंटीन बड़ी राजस्थानी स्टाइल में बनी हुई थी, जहाँ मैंने प्याज कचौड़ी खाई, 20 रुपये में, बहुत शानदार कचौड़ी थी। तो मैं मोटा मोटी कहना चाह रहा हूँ, पढ़ाई कराने के लिए पुराना बैकग्राउंड है, विंटेज है, पेशेंट आउटफ्लो अच्छा है, इनफ्लो अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, मगर फंडामेंटली ये लोग हेल्थ केयर ग्रुप से बिलोंग करते हैं। कॉलेज की लोकेशन बहुत आउटस्कर्ट्स में नहीं है, तो बच्चा अगर पढ़ाई से बोर हो गया तो, और ये 8 किलोमीटर 15 मिनट में कवर हो गए, और ये जो विक्रम खड़े हैं ये 20 रुपये में आपको ले जाते हैं पर सवारी। तो 20 रुपये में बच्चा 15 मिनट में जाके कुछ डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाकर भी 2 घंटे में वापस आ सकता है। तो ये फैसिलिटी अवेलेबल है SS तांतिया मेडिकल कॉलेज में।
और क्या बचा। तो जैसा मैंने कहा, पेशेंट्स हैं, पढ़ाई है, इन्फ्रा है, एक बच्चों के लिए कैंटीन अलग थी, हॉस्पिटल के अंदर अलग कैंटीन चल रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, एक बाइक की पार्किंग थी अंदर जो बिल्कुल फुल थी, मतलब 100 के ऊपर बाइक वहाँ पार्क थी। गाड़ियाँ भी मेरे को तकरीबन 40-50 दिख रही हैं। और जैसा मैंने कहा, ये जो बाहर विक्रम खड़े हैं, ये जनता जनार्दन को ले जाने के लिए वापस गंगानगर। तो ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछो, आई विल गिव यू डेफिनेटली अ वेरी गुड ग्रेड। मतलब कि अगर मैं देखिए, राजस्थान का MGM का तो खैर कोई मुकाबला है ही नहीं, और NIMS को भी फायदा है इसकी लोकेशन जो है। एंड बट अगर मैं इसको राजस्थान में ना करके अगर मैं हरियाणा UP से कंपेयर करूँ, सो डेफिनेटली पानीपत, झज्जर से बेटर है। डेफिनेटली UP के जो नीचे वाले 15 कॉलेज हैं, वो जो लखनऊ के 2 हैं, 5 हैं, प्रसाद, TS मिश्रा और उस तरह के कॉलेज से काफ़ी बेटर है। तो डेफिनेटली एक नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अच्छी ऑप्शन है। हम जानते हैं कि राजस्थान राउंड 2 तक क्लोज स्टेट रहता है, और राउंड 2 में भी ये रहता है कि राउंड 2 में ओपन ऐसे होता है कि पहले सीट दी जाएगी राजस्थान डोमिसाइल को, और फिर दी जाएगी नॉन राजस्थान। पर जो पिछले 2-3 साल का ट्रेंड है, सीटें बच जाती हैं। तो अगर आप नॉन राजस्थान के बच्चे हैं तो भी इस कॉलेज में आने की आप कोशिश कर सकते हैं। राउंड 2 या राउंड 3 में आपको ये सीट मिल जाएगी। इसका हॉस्टल मिला के जो बजट है वो तकरीबन 1 करोड़ का पड़ता है। 90 लाख कॉलेज की फीस थी, और वही 2.5 लाख साल का हॉस्टल। हॉस्टल में 2 रूम 3 रूम हैं विद अटैच बाथरूम, तो वो भी फैसिलिटी अच्छी है। सो ओवरऑल अ वेरी गुड ऑप्शन, एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल टू गेट द बेस्ट MBBS सीट फॉर योरसेल्फ। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।